हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से और खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको मुंबई सीएसटी स्टेशन और पुराने नाम वीटी स्टेशन से भी जानते हैं। मुंबई सीएसटी स्टेशन एक ऐतिहासिक स्टेशन है, तो आज हम इसकी वीडियो के साथ कुछ इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना। क्वीन विक्टोरिया के शासन के 50 साल पूरे होने पर 1978 को वीटी स्टेशन को पोरबंदर रेलवे स्टेशन की जगह बनाया गया, जो 1987 को बनके कंप्लीट हुआ, और इसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीटी स्टेशन बोला जाता था। और ये नाम इस स्टेशन की पहचान बन गया, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन 1996 में शिवसेना की मांग पर इस स्टेशन का नाम स्टेट गवर्नमेंट ने छत्रपति शिवाजी के नाम पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म सीएसटी स्टेशन बोला जाने लगा। ये जो सामने खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है, ये है सीएसटी स्टेशन की मेन बिल्डिंग, जो बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक है। इस स्टेशन की बिल्डिंग मुंबई की पहचान बन गई है। मुंबई के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सीएसटी स्टेशन के बिना मुंबई कंप्लीट नहीं होती। अगर मूवी में मुंबई दिखाया जाता है, तो इस बिल्डिंग को ज़रूर दिखाते हैं। 2 जुलाई 2004 को इस स्टेशन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। इस स्टेशन की बिल्डिंग बनाने में उस टाइम 16,13,000 लगे थे। उस वक्त इस रेलवे स्टेशन में 6 प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया, जिसकी लागत 10 लाख थी। फिर 1929 में यह प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़कर 13 हो गई। फिलहाल यहां अब कुल 18 प्लेटफॉर्म हैं। यहां हर रोज़ 30 लाख से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं। यहां पर सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस भी है। यहां से लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों चलती है। इस स्टेशन को डिज़ाइन किया है ब्रिटिश आर्किटेक्चर इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवन ने। 2017 को फिर से एक बार इसका नाम चेंज हुआ और इस स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया। अगर आप लोगों को याद होगा, तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली स्लम डॉग मिलेनियर का फेमस सॉन्ग जय हो मुंबई सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही शूट हुआ था। और रावण मूवी का ट्रेन वाला सीन, जो ट्रेन जिस स्टेशन को टक्कर मारती है, वो सीएसटी स्टेशन ही होता है। और तुमको ना भूल पाएंगे में सलमान खान मिनिस्टर को गोली मारकर भागते हुए यहीं से ट्रेन पकड़ता है, और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहीं पे हुई है। और अब हम आ गए हैं टिकट विंडो के एरिए में, और ये देखो कितना खूबसूरत बना है। ऐसा लग रहा है हम किसी 5-स्टार होटल में आ गए हैं। कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आपको लोकल ट्रेन की टिकट मिलेगी। जब आप बाहर से सीएसटी स्टेशन की बिल्डिंग देखोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्टेशन है। आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी राजा महाराजा का पैलेस है या कोई बहुत बड़ा 5-स्टार होटल है। इसकी बिल्डिंग ब्रिटिश स्टेशन की तर्ज पर बनाए गए हैं, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ब्रिटिश कल्चर की झलक दिखाई देती है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखना। और चलो आगे की वीडियो देखो।
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस स्टेशन की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पता चले होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और लास्ट में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।